अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि खैरियत होंगे। फ्रेंड्स, ये मेरे पास एयरपोड्स प्रो क्लोन है और इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि इसकी जो लिड है इसका स्प्रिंग टूट गया है, या ये कह लें कि आपके स्प्रिंग के जो हिंजेस है वो टूट गए हैं और अभी इसका जो ढक्कन है वो ढक्कन यहाँ पर क्लोज नहीं रहता और ओपन रहता है, जिसकी वजह से ये कनेक्टेड रहता है और बैटरी भी डिस्चार्ज रहती है और पता नहीं लगता कि मोबाइल ये ब्लूटूथ के साथ कनेक्टेड है या नहीं। तो आज की इस वीडियो में मैं इसी को रिपेयर करने का तरीका आपको बताऊंगा और इसको ओपन करने का तरीका मैं पहले बता चुका हूँ, वो वीडियो आप देख सकते हैं आई के बटन के अंदर। ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको जो है वो देखेंगे कि यहाँ पे एक जो सुराख आपको नज़र आ रहा है, इसमें आपने कोई भी जो है वो बारीक चीज़ डाल देनी है, जैसे कि ये ट्वीज़र है, और इसको थोड़ा सा आपने प्रेस कर देना है। प्रेस करेंगे तो दूसरी साइड के ऊपर ये पिन निकल आएगी इसकी, और इस पिन को आप किसी भी चीज़ से जो है वो बाहर निकाल सकते हैं, जैसे कि आपके पास नोज प्लायर वगैरह होगा तो इसको निकालेंगे तो ये इस तरह से ओपन हो जाएगी। अब फ्रेंड्स ये देखें, ये कुछ इस तरह से आपको ओपन करने के बाद नज़र आ रहा है। यहाँ पे इसकी पिन मैंने वापस डाल दिया है और इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि मैंने मुख्तलिफ किस्म की जो है वो मैच ग्लू और ये डिपॉक्सी ग्लू ये सारा कुछ मैंने ट्राई किया था, लेकिन वो स्प्रिंग जो है उसकी स्ट्रेंथ इतनी होती है कि आप उसको जो है वो हिंजेस बर्दाश्त नहीं करती उसका प्रेशर, और वो ये हिंजेस अब जो भी बनाते हैं आप वो टूट जाते हैं। अब जो मैं एक्सपेरिमेंट इस पर करने लगा हूँ और मेरे हिसाब से ये इंशाल्लाह से कामयाब होगा, वो ये है कि कोई भी सिगरेट ले लें आप, सस्ते से सस्ता लें, आपने कौन सा पीना है, तो इसका जो ये फॉर्म होता है इसको आपने जो है वो ओपन कर लेना है। इसको तरीके के साथ ओपन कर लेंगे तो बेहतर है और ये कि ज़्यादा ये फैलेगा नहीं, तो इसको आपने ओपन कर लेना है। ठीक है, ऊपर कि ये बहुत ज़बरदस्त जो है वो फर्म आपका जोड़ लगाता है, तो मैंने इसलिए इसको चूज़ किया है। और इसको आपने जो है करना ये है कि इस तरह से यहाँ पर फिट करना है कि ये आपके हिंजिस की शेप बना सकें। ओके, यहाँ पे ये कॉटन लेता हूँ, ठीक है, और ये फिल्टर जो होता है सिगरेट का फिल्टर है जैसे आपको दिखाया मैंने, ठीक है, इसको आपने लेना है और इसको मरोड़ लेना है। एक दफ़ा से आपने उस साइज़ पे इसको लेके जाना है कि जिस साइज़ पे वो उसके आपके एयरपोर्ट्स का जो साइज़, यहाँ पे ये झरियाँ बनी हुई हैं, ठीक है, यहाँ पर ये फिट हो जाए। इसकी ज़रूरत फ्रेंड्स इसलिए है कि अगर आप इसको सपोर्ट नहीं बनाएंगे नीचे ये कहीं पर बैठेगा नहीं, कहीं से इसको जो है वो बुनियाद नहीं मिलेगी, बेस नहीं मिलेगी, तो ये जो है वो इतना कारामद नहीं होगा और स्प्रिंग जो है वो इसको दोबारा से तोड़ देगा। तो फ्रेंड जैसे कि आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ पे ये झरियाँ बनाई हैं, ठीक है, और इन झरियों को मैं बिल्कुल नीचे तक ले गया हूँ, ग्रूव जो है ग्रूव्स को मैं यहाँ बिल्कुल नीचे तक ले गया हूँ। इसको मैं थोड़ा सा मज़ीद नीचे लेके जाऊँगा ताकि ये जो है ये पिन के नीचे से हमें जगह प्रोवाइड कर सके। तो इस तरह से आपने इसको पिन के नीचे से ले जाना है और ये जो आपको गैप नज़र आ रहा है यहाँ तक आपने इसको काट देना है। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से आपने इसकी बिल्कुल जो है वो झरियाँ दो बना लेनी है। इस तरह से ये जगह प्रोवाइड करेगा। उसके बाद फिर हमने फिल्टर लेना है कॉटन और इसको जो है वो फिर हमने मरोड़ देना है इस तरह से। ठीक है फ्रेंड्स, ये इस तरह से मरोड़ के आपने बना लेना है इसका, और सबसे पहले आपने इसके सेंटर में इस तरह इंसर्ट करना है। ठीक है, इसको आपने दबा के नीचे ले जाना है इस तरह से, और दूसरी साइड से भी आपने फुल इसको नीचे कर देना है। अब आपकी ये दोनों जो साइड्स हैं वो बराबर होनी चाहिए, या ना भी हो कोई मसला नहीं है, हमें इतनी ऊँचाई नहीं चाहिए, इतना काफ़ी है कि ये बाहर आपको दोनों सिरे इसके नज़र आ रहे हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा प्रेस कर दे ताकि पिन जो है इसको अपने साथ खींचे ना। तो यहाँ पर मैं बारीक ट्वीज़र का यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं पिन को इंसर्ट करता हूँ। ठीक है, तो पिन जो है वो थोड़ा सा ज़ोर मांग रही है। ठीक है, तो अगर ज़ोर ज़्यादा मांगती है तो हम इसको जो है वो किसी और तरीके से करते हैं, अगर ज़ोर नहीं मांगती इतना तो फिर हम इसको कोशिश करते हैं इसको एडजस्ट कर सकें किसी तरीके के साथ, ताकि कॉटन जो है वो हमारी इसके नीचे ही रहे। ठीक है फ्रेंड्स, देखें इसको इस तरह से आप प्रेस करके कोशिश करें कि पिन जो है वो आप
आराम के साथ इसके अंदर इंसर्ट कर लें। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आप देख सकते हैं कि पिन आराम से इंसर्ट हो गई है। अब यहाँ से जो काटन है हमें वो देख रहे हैं आप कि टूट नहीं रही और सपोर्ट हमें मिल गई है। तो देखिए मैं यहाँ से इसको पकड़ के भी दिखा देता हूँ आपको इसी तरह दूसरी साइड से। तो यहाँ तक तो हमारा काम हो गया फ्रेंड्स। अब हमने करना ये है कि इस कार्टन को फिर थोड़ा सा ट्विस्ट करना है। इस कार्टन को हमने ट्विस्ट कर लेना है और ट्विस्ट करने के बाद जो है आप इसको भी घुमा सकते हैं। और ट्विस्ट करने के बाद आपने इसको इतना यहाँ पर जो है वो बनाना है कि जिससे आपकी हिंजिस के दरमियान का जो फासला है वो मुकम्मल हो सके। यहाँ पे देखें कि कार्टन जो है वो इस तरह से मैंने इंसर्ट भी किया है यहाँ पे, और इसका यहाँ पे ये हिंज टाइप की भी बना दी है। अब करना ये है फ्रेंड्स कि यहाँ पे हमने सबसे पहले एहतियात के साथ सुपर ग्लू जो है वो लगानी है। ठीक है, उसके लिए सुपर ग्लू को लगाने का जो तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ कि सुपर ग्लू को आपने डायरेक्ट यहाँ पे चिपकाना नहीं है। सुपर ग्लू को आपने इस तरह से ओपन करना है, ठीक है, एहतियात से कि आपके सुपर ग्लू भी नीचे ना गिरे, नहीं तो आपके लिए मसला हो जाएगा। सुपर ग्लू के साथ वो आप थोड़ा सा इसके साथ लगाएं और यहाँ पर आप इस तरह से एक एक बूंद अप्लाई करें। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं। और साथ में ही इस पिन को भी आपने घुमा लेना है या आगे पीछे करना है ताकि आपकी पिन जो है वो ना फंसे। ठीक है, देखें पिन को मैं जो है वो एहतियात के साथ आगे पीछे कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपकी पिन भी नहीं फंसेगी और नीचे आपके ग्रूव्स भी महफूज रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको हिलाते रहना थोड़ी देर तक ताकि ये पिन जो है वो जाम ना हो यहाँ पे। तो ये तो यहाँ पे हो गया फ्रेंड्स। और उसके बाद ग्लू को थोड़ा सा साइड पर रखें और यहाँ पे जो है वो इसको आप बेहतर तरीके से आप बिठा लें, उतने साइज़ में इसको बनाएं कि आपका जो हिंज है वो यहाँ पे बन सके। तो मैं कुछ इस तरह से इसके साथ जो है वो बना लेता हूँ इसको। इतनी ऊंचाई बहुत है, बाद में हमने इसको जो है वो फाइलिंग करनी है इसकी और बफ वगैरह करके इसको हम बराबर कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। अब फिर आपने ग्लू लेनी है और ग्लू लेने के बाद उसी तरह बारीक चीज़ के साथ आपने एक एक कतरा यहाँ पे डालना है। ठीक है, और कोशिश करें कि कतरा जो है वो पूरी तरह इसमें जज़ब हो जाए चारों साइडों से इस तरह से। ठीक है फ्रेंड्स, अभी जो है इसमें मज़ीद ग्लू लगाने की गुंजाइश नहीं है, इतनी ग्लू इस पर लग सकती थी वो मैंने लगा दिया है। और उसी तरह जो है वो पिन को आप हिलाते रहिए ताकि आपकी पिन जो है वो ख़राब ना हो, देखिए पिन आपकी निकल सके वापस। ठीक है, ग्लू को मैं साइड पे कर देता हूँ क्योंकि थोड़ा सा भी झटका लगा तो ग्लू ने मेरा काम ख़राब कर देना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ठीक है, अब ये बिल्कुल जो है हमारा क्लियर हो चुका है और ये पिन भी निकल रही है, पिन दोबारा भी लग जाएगी और ये देखें ये बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब फ्रेंड्स, अब आपने इसी के अंदर जो है वो हिंजेस बनानी है। ठीक है, उसके लिए आपको इसकी फाइलिंग करनी पड़ेगी। तो यहाँ आपने फाइल ले लेनी है एक और ये हमारा बाहर आ गया। अब हिंज को हमने बाहर निकाल लेना है। पहले आप इस कॉइल को उठाएं और ये हिंज आपकी बाहर आ गई। अब आप इसकी फाइलिंग करें या जो भी करें, आपको सर्किट को कोई मसला नहीं है। अगर आपके पास और कोई टूल नहीं है तो ये ट्वीज़र आपके लिए बेस्ट है। यहाँ पे हम इसको इस तरह से घुमा घुमा के सुराख बनाएंगे
लेकिन एहतियात के साथ, इतनी मेहनत के बाद अगर आप बनाएं और उसके बाद फिर तोड़ दें तो आपके काम का कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए एहतियात करनी है आपने। और इसको जो है वो आपने स्प्रिंग के लिए यहाँ पे सपोर्ट्स बनानी है। एक साइड पे मेरे हिसाब से बन गई है, अगर आपको नज़र आ रही होगी तो एक साइड पे तकरीबन बन गई है। अब दूसरी साइड के ऊपर फिर हम जो है वैसे ही करेंगे, सेंटर में रखेंगे और आराम आराम से इसको घुमाते जाएंगे। तो इसमें स्प्रिंग डाल के देखते हैं, इस साइड से भी स्प्रिंग डाल के देखते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हिंज भी बन गई है और स्प्रिंग इसको एक्सेप्ट भी कर रहा है। अब थोड़ा सा फ्रेंड्स, थोड़ा सा जो है ना और हमें करना पड़ेगा इसको क्लियर। इसको जो है वो थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं, ये वाली साइड थोड़ी सी बड़ी है, इसको काट देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो मैं थोड़ा सा फिर काम कर लेता हूँ, ठीक है। और इसी तरह इसी साइड पे भी काम कर लेता हूँ। अब स्प्रिंग को लगा के देखते हैं, 1 एंड 2, और काफ़ी हद तक ये बेहतर हो गया। अब इसको कैप में लगा के देखते हैं पिन की, तो पिन को आपने एहतियात के साथ यहाँ पे लगाना है, ठीक है। ये अब बिल्कुल एक्यूरेटली यहाँ पे चली जाएगी क्योंकि बैलेंस हो गया है। तो अब जो है ये देखें, अब आपका हिंज जो है बेहतरीन तरीके से काम करेगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसको अब मैं वापस यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ, पहले हिंज को फिर इसके बॉक्स को। ये रेडी हो गया है, कुछ चलने के बाद स्प्रिंग जो है वो अपना काम ठीक तरह से करना शुरू कर देगा, लेकिन अभी जो है वो काफ़ी बेहतर हो गया है। तो ये देखें फ्रेंड्स, बहुत ही खूबसूरत मौसम के अंदर मैं पार्क में बैठा हुआ हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वही वाली हैंड फ्री है और मौसम भी आप साथ में देखें कितना ज़बरदस्त मौसम है। और वही हैंड फ्री मैं यूज़ कर रहा हूँ, बेहतरीन तरीके से यहाँ पर काम कर रही है। और आपके सामने ये देखें कि इसमें कोई भी जो है वो अभी वो प्रॉब्लम नहीं है, इसके कैप जो है वो टाइट हो चुके हैं और हैंजेस जो हैं वो बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं। मैं कल रात से इसको यूज़ कर रहा हूँ और मुझे कोई इशू यहाँ पर नहीं मिला। तो उम्मीद है फ्रेंड्स कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल की सपोर्ट और मोटिवेशन के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ में ही बेल के आइकॉन को भी लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। साथ में ही मेरे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे टिप और टिक्स आपको एक ही चैनल के एक ही पेज के ऊपर डाउनलोड्स के साथ मिल जाएंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।